हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से आपके ही अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन अकेडमी पर। आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जो टाइम एंड वर्क हमारा टॉपिक चल रहा है उसके जो नेक्स्ट टाइप है। देखो, इस तरीका का क्वेश्चन आता है, कह रहा है ए और बी अलग अलग एक काम को क्रम से 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ ए 20 दिन में कर रहा है और बी 30 दिन में, तो कुल काम कितना हो जाएगा हमारा 60। इसका एक दिन का 3 है तो इसका एक दिन का 2। आगे देखो, दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं। काम समाप्त होने से 10 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। इस क्वेश्चन में, इस टाइप में नया ये है कि काम समाप्त होने से पहले, इससे पहले क्या रहा था कि काम कितने दिन बाद छोड़ता है, उसमें फिर ये आया था कि कुछ दिन बाद छोड़ता है। यहां ये बोल रहा है काम समाप्त होने से 10 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। देखो, ए और बी है जिन्होंने मिलकर काम स्टार्ट किया, लेकिन बाद में क्या, जब ए छोड़ देता है तो कौन करता है फिनिश? बी। 10 दिन पहले का मतलब है लास्ट के 10 दिन किसने काम किया? बी ने। हमारा जो 60 कुल काम है, बी एक दिन में 2 करता है, तो उन्होंने 10 दिन में कितना किया होगा? 20। कह रहा तो पूरा काम कितने दिन में होगा? जब बी ने 20 काम तो अकेले ने किया लास्ट में, तो 40 काम होंगे जिनमें ये दोनों साथ होंगे। ये दोनों साथ होते हैं तो कितना करते हैं एक दिन में? 5। तो 40 काम में इन्होंने कितने दिन लिए होंगे? 8। 10 यहां से, 10 यहां से और 8 यहां से, टोटल कितना दिन लगा? 18 दिन। आए समझ? देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ए बी सी। यहां अब तीन आदमी आ जाते हैं, ए बी और सी, जो क्रम से काम को 18, 27 और 36 दिन में फिनिश कर सकते हैं। इन सभी का जो एलसीएम है वो कितना आएगा? 108। 18 छक्के इस पे, 4 पे और इस पे ये 3 पे। आगे क्या कह रहा है, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है और 6 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। इसमें सोचने वाली बात यह है, आप भी दिमाग लगाइए, 4 दिन पहले ए जाता है, मतलब लास्ट के 4 दिन रहते हैं तब ए जाता है, और बी 6 दिन पहले, तो पहले कौन जा रहा है? बी। देखो सवाल को, ए बी और सी तीनों मिले किसी काम को करने में, 6 दिन पहले तो बी जाता है, अभी काम फिनिश होने में 6 दिन बाकी है, बी चला जाता है, लेकिन 4 दिन पहले ए भी चला जाता है, तो जो ए और सी वो कितने दिन तक साथ रहे? 2। अब ए चला जाता है तो लास्ट में सी अकेला 4 दिन काम करता है। ये है इस क्वेश्चन में समझने वाली बात, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे बड़े आराम से। देखो, सी एक दिन में 3 करता है तो 4 दिन में कितना किया होगा? 12। ए और सी, इन दोनों का 9 काम बैठता है, 2 दिन में कितना करते हैं ये? 18। इन दोनों को मिलाया तो काम बना हमारा कितना? 30। 108 तो है, इसमें से 30 जाएगा तो बचेगा कितना? 78। 78 काम है जिसको इन तीनों ने मिलकर किया होगा। देखो, 10 और 4, 6 और 4, 10 और 3, 13। 78 काम को 13 के हिसाब से देखेंगे तो ये तीनों कितने दिन साथ रहे? 6 दिन। 6 दिन तीनों, 2 दिन ए और सी, 4 दिन सी अकेला, 6 और 6, 12 दिन। तो काम कितने दिन में फिनिश हुआ? 12 दिन में फिनिश हुआ। आए समझ? देखिए नेक्स्ट टाइप क्या कहता है, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में, बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में, सी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे? यहाँ ये जो नई टाइप है इसमें क्या कह रहा है कि ए 1/3 भाग 5 दिन में, कहने का मतलब टोटल काम कितना? 3। उसमें से वो एक करता है तो उसके लिए कितना टाइम लेता है? 5 दिन। तो सोच, 3 के लिए कितना लेगा? 15। ऐसी बी के बारे में सोचो, बी कह रहा है 2/5 10 दिन में, ये कह रहा है 2/5 भाग 10 दिन में, मतलब 5 में से 2 काम करने में 10 दिन लगते हैं। एक काम को कितने दिन में करेगा? 5। तो 5 काम को करने में कितने दिन लगेंगे उसको? 25। ठीक है, आप सीधा यहां से मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे इसका किया तो यहां 1 है, अपॉन में 1 करेंगे तो रहेगा ये 5 × 10 = 50, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 25 ही आएगा। नेक्स्ट देखिए सी के बारे में क्या कहता है, सी 3/4 भाग कितने दिन में? 15 दिन में, मतलब जो 4 था उसमें से 3 काम करने में 15 दिन ले रहा, ये भी एक दिन में 5, तो 4 काम करने में कितना लेगा ये? 20 दिन। आए समझ? तो अब ये कह रहा तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में, ये तीनों ही हैं, इनको यही मिला देते हैं तो ये कितने दिन में फिनिश कर देंगे? इनका जो एलसीएम आएगा 20, 200 इससे नहीं जाएगा, 300 कितना हो जाएगा? 300। 15 × 30 20, 25 एकम और दूनी ये 12 और इससे कितने? ये 15। अब कह रहा तीनों मिलकर, देखो कुल काम कितना बैठ रहा है उनका? 300। अगर ये तीनों मिले, ये एक दिन में इतना करता है, ये एक दिन में इतना और ये इतना, तो ये कितना आएगा? 20, 12, 32 और 15 47। 300/47 दिन में कंप्लीट कर देंगे तीनों मिलकर इस काम को। आए समझ?
देखिए नेक्स्ट टाइप में कह रहा है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है। ये कह रहा है जो ए है उसकी जो कार्य क्षमता किसके बराबर है, बी के 2/3 के बराबर है। दोनों मिलकर इस काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं या करेंगे। अब तक हमने क्या किया था, ए और बी के अलग अलग कितने दिन में फिनिश करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन था, और वहां से हम उनकी कैपेसिटी निकालते थे और फिर बताते कि दोनों मिलकर कितने में करते हैं। यहां क्या है, उनकी कैपेसिटी हमें दी है और ये भी बता दिया कि दोनों मिलकर कितने में फिनिश करते हैं। अब अलग अलग कितने में करेंगे ये हमें बताना है। ए की जो कैपेसिटी है बी के 2/3 है, 2/3 भाग, मतलब ये 3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3A बराबर कितना 2B। तो ए का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, ए की जो कैपेसिटी 2 है और बी की कितनी हो जाएगी 3, ए के लिए ये तो बी के लिए क्या। अब देखो हमें ये भी पता है एक 2 और 3 दोनों का काम कितना बन रहा है 5, और कितने दिन में फिनिश करते हैं वो 30 दिन में। तो डेफिनेटली जो कुल काम है वो कितना हमारा 150, जो कुल काम है वो कितना हो जाएगा 150। अब ये देखो ए की जो कैपेसिटी, हम कैपेसिटी यहाँ मेंशन करते थे वो है 2, और बी की कैपेसिटी कितनी है 3। जब ए एक दिन में 2 करता है तो 150 काम फिनिश करने में कितने दिन लेगा बेटा 75। यहाँ भी देखो ये 150 काम कितने दिन में करेगा, जब एक दिन में 3 करता है तो इसको कितने लगेंगे 50 दिन, मतलब ए 75 दिन में, तो बी कितने में 50 दिन। आए समझ। देखिए नेक्स्ट में उसी की तरीका से कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। ये ए है और ये बी है, क्षमता किसकी ज्यादा ए की बी से। तो माना हमारा ए कितना करता है 100, तो इसकी 60% अधिक है कितना 160, ये जाएगा 20 से 5 पे ये 8 पे, मतलब ए का एक दिन का काम 8 है तो बी का कितना है 5। ये सीधी सीधी कैपेसिटी कह रहा है वो दोनों मिलकर 80 दिनों में काम फिनिश कर सकते हैं। इन दोनों का काम कितना है 13, 80 दिन में फिनिश कर सकते हैं। तो 8 × 13 = 104, टोटल काम कितना हमारा 1040, टोटल काम 1040 है। तो कह रहा है बताइए बी अकेला इस काम को कितने दिन में फिनिश कर सकता है, बी एक दिन में कितना करता है 5, तो इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, सीधा इससे ही डिवाइड कर देते हैं, 5 से 2 पे जाएगा 0 पे और 8 पे, 208 दिन में ए अकेला इस काम को, सॉरी बी अकेला इस काम को फिनिश कर सकता है। समझ। आज इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी सभी को समझ आई होगी। समझ में अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।